में जो हकूमत की तरफ से पंजाब हकूमत ने बिजली का रिलीफ दिया है आवाम को, उसका जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने और वज़ीर तवानाई ने पार्टी की क़यादत को जो इस्लाहात पावर सेक्टर के अंदर की जा रही हैं ताकि हम आवाम को बिजली सस्ती करने के लिए और इसे बिला तातुल फराहम करने के लिए निज़ाम में इस्लाहात के ज़रिए इस एजेंडे को आगे बढ़ा सकें, उस पर हकूमत के प्लान को शरीक उनके साथ प्रेजेंटेशन की और उससे मुतला किया और पार्टी के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने हदायत की कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई हकूमतें अपने अपने अखराजात की बारीकी के साथ पड़ताल करें और जहां पर कहीं बचत की गुंजाइश है उसे पैदा करके उसे आवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किलात जिनका आवाम को सामना करना पड़ रहा है, हकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन मुश्किलात से आवाम को और मुल्क को निकालने के लिए कोई गुंजाइश ना रखे और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। और ये भी उन्होंने हदायत की कि जिस जज्बे के साथ हमने 2013 में तवानाई के बहरान को हल किया था, उसी जज्बे के साथ तवानाई के इस बहरान को जो हमें विरसे में मिला है फौरी तौर पे हम हल करके आवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। इस मौके पर पार्टी के जो हमारे पंजाब में वज़ीर हैं बल्दियात के, उन्होंने बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से और कानून के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और पार्टी के सदर ने हदायत की कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम है ये जमहूरियत का एक बुनियादी सतून है और मुस्लिम लीग नून का मंशूर इस बात का तकाजा करता है कि हम एक मौसर बल्दियाती निज़ाम जो आवाम के मसाइल को उनके दस्तक पर उनकी दहलीज पर हल करने की सलाहियत रखे उसे कायम करें ताकि जमहूरियत का जो निज़ाम है वो मुकम्मल हो सके और जमहूरियत का तीसरा टियर भी फाल हो सके। और इस हवाले से उन्होंने हदायत दी कि जो मौजूदा कानून है इसमें इस्लाहात के ज़रिए हतमी शक्ल दी जाए तजावीज़ को ताकि जो बल्दियाती निज़ाम है वो मौसर भी हो और वो इस बात की अहलियत भी रखे कि वो आवाम को डिलीवर कर सके। और इसके लिए साथ साथ पार्टी को सरगर्म करने के लिए और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए भी तजावीज़ पर गौर किया गया और मैंने बहसियत सेक्रेटरी जनरल एक ब्रीफिंग दी और इंशाल्लाह ताला एक खसूसी इजलास अनकरीब मुनक़द होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अमूर को हम सरगर्म और फाल करने के लिए लायमल मुरतब करेंगे। तो आज के इजलास में बुनियादी तौर पे पार्टी की तंजीम को मजबूत करना, पंजाब और वफाकी हकूमत की कारकर्दगी को की रिपोर्ट हासिल करना या सदर मुस्लिम लीग को पेश करना उसका मकसद था और सदर मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये हदायत दी है कि दोनों हकूमतें अपने तमाम वसाइल आवाम की फलाह और बहबूद की तरफ मबजूल रखें और कोशिश करें इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए जितनी बेल्ट टाइटनिंग की जा सकती है वो की जाए ताकि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े और हम मईशत को इस दलदल से निकाल कर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। और आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक ना तजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी ना तजुर्बेकारी से उजाड़ा। और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। ये ऐसे है कि जैसे कोई एक बस का ड्राइवर जो है वो बस का एक्सीडेंट कर दे और छलांग मार के बाहर मजमे में खड़ा हो जाए
और ये क्या देखो ये कौन नालायक ड्राइवर था जिसने बस का एक्सीडेंट कर दिया है, तो चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। और फिर आज ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है उसको सहूलियात नहीं दी जा रही। कल मैंने असेंबली के अंदर वाजे कहा था कि इमरान खान को असेंबली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5-स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5-स्टार जेल काट रहे हैं, उनको देसी मुर्ग खाने में मिलते हैं, उनकी वर्जिश का सामान है। मुझे जब गिरफ़्तार किया गया 3 दिन पहले मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ था और जो गोली लगी थी उसके बाद डॉक्टर्स ने जब स्टील निकाली तो एक बड़ी सर्जरी हुई और मुझे कहा गया कि आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपका बाजू सीधा हो जाएगा। 2 महीने तक इमरान खान की हुकूमत ने मुझे फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं हासिल करने दी। मैंने तो कभी चीखा नहीं है, मेरा बाजू हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कभी रोए नहीं। हमारी फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता था, हमसे वकील कोई नहीं मिल सकता था, इनसे तो 2-2 दफ़ा वकीलों की मुलाकातें होती हैं, इनका तो हर बंदा इनसे मिलकर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हमारी कैद में तो तसव्वुर नहीं था कि कोई कैदी को मिल ले या मिल भी ले तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो वो तो मौज में है बॉडी, और देखिए उसी सेल के अंदर है जिस सेल में मुझे रखा था। अगर आज वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें एक गलत सेल में रखा गया है तो सबसे पहले तो वो मुझसे माफ़ी मांगे ना, अगर वो गलत सेल था कि मुझे उसमें क्यों रखा था। लेकिन अगर वो सेल मेरे लिए ठीक था, मैं भी मेंबर कौमी असम्बली था, तो फिर खान साहब के लिए ठीक है, फिर क्यों शिकायत करते हैं। फिर जी साबिक वज़ीर आज़म, मैंने तो आज तक इमरान खान की कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि जिसमें वो पसीने से शराबूर अदालत में पेश हुआ हो। मैंने तो नवाज़ शरीफ साहब को कोट लखपथ जेल में इस हालत में देखा हुआ है कि उनके कपड़े पसीने से ऐसे शराबूर थे जैसे लगता था कि अभी ये शावर के नीचे से निकल कर आए हैं। तो क्या वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म उस सलूक का मुस्तहिक नहीं था जिस सलूक का आज ये पीटीआई वाले तकाजा कर रहे हैं। लेकिन हमने तो इमरान खान साहब से कोई ऐसा बदला नहीं लिया कि जिसका उन्होंने निशाना नवाज शरीफ साहब को बनाया था। तो लिहाजा हिम्मत करें, बहादुरी के साथ हालात का सामना करें। सुबह शाम चीखें निकलती हैं, असल में ये NRO चाहते हैं। कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। कभी बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उनके मेंबर्स पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे तो भाई रसीदें दिखा दें। 190 पाउंड किधर किया, किसके कहने पे किया? अरबों रुपए, 190 मिलियन पाउंड जो कि 50 अरब के करीब 40 अरब के रुपए के करीब रकम है, इसमें 5 यूनिवर्सिटियां बन सकती थीं, इसमें कोई 8-10 अस्पताल बन सकते थे बहुत अच्छे, इसमें गरीबों के बच्चों को, हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल सकते थे। आपने वो सारा पैसा चांद हीरे के नेकलेसों की खातिर और कुछ ज़मीन के टुकड़ों की खातिर अपने एक दोस्त के एवज़ पेश कर दिया जो कि गरीब पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। तो जनाब आपको उस 40-50 अरब रुपए की रसीद देनी पड़ेगी कि किसके किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। अगर आप पेश कर देंगे और आप बेगुनाह होंगे तो साफ़ हो जाएंगे। आपको ये रसीद देनी पड़ेगी कि आपने जो तोहफे आपको मिले उनको अंडर वैल्यू क्यों किया और अंडर वैल्यू करके उनको 2 नंबरी के साथ क्यों बेचा। अगर आप ये साबित कर देंगे आप बेगुनाह हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये जुर्म किया है तो आपको अपने करतूतों की और अपने इन जरायम की सजा के लिए तैयार होना चाहिए। फिर तो हुकूमत बदध्यानती कर रही है कि बाकी कैदियों को खाने को दाल नहीं मिलती, आप इमरान खान से मौजें हुकूमत करवा रही है, इसके रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। देखिए ये आप हमारी फराख दिली कह लें कि हम अपने मुखालफों से
वो सलूक नहीं करते कि जो सलूक उन्होंने किया था। जो कौम का मसला है इस टाइम बिजली के बिल है, कैपेसिटी पेमेंट जी, और आईपीपीएस के साथ क्या करने जा रहे हैं इमरान खान? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैंने शुरू ही वहाँ से की थी कि पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए का रिलीफ दिया है जिस पर अमल शुरू हो चुका है। चूँकि गर्मियों के अंदर कंजम्पशन बढ़ती है और एक आम कंज्यूमर का स्लैब बढ़ जाता है, जब वो ऊपरली ऊंचली स्लैब में आता है तो उसका बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो लिहाजा गर्मियों के इस सीज़न में लोगों को रिलीफ देने के लिए 40 अरब रुपए से ज़्यादा पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है, जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ हमें पावर सेक्टर के अंदर जो गुज़श्ता 30-40 सालों के नकायस हैं, उसकी कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें दूर करना है। उसके लिए सुबह शाम वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। जो चीन के साथ हमारे मुआहदे हैं और जो मंसूबे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्पोर्टेड कोल की बजाय थर कोल के ऊपर तब्दील करें, जिससे कि बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी और उससे बिजली के नर्ख भी कम हो सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे 2013 में 18 घंटे के लोड शेडिंग का मसला हमने हल किया, इसी तरह अगले 1-2 सालों के अंदर आप देखेंगे कि पावर सेक्टर के जो निरखों का मामला है और इसकी सप्लाई में तातुल का मामला है, इसको भी हल करने में कामयाब होंगे। ये बता दें कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से बड़ी आज तफसीली मीटिंग में आपको ब्रीफिंग भी मिल गई, तकरीबन जो एक्ट है वो आपका तैयार है और 6 माह से वो तैयार हो रहा है। अब ये बता दें कि एक्ट तो तैयार हो जाएगा, असम्बली में मुमकिन तौर पर आइंदा इजलास में चला जाएगा, इंतखाबात कब कराएंगे ये बता दें, और दूसरा ये बताएं कि नेशनल डायलॉग के लिए मुस्लिम लीग नून ने कोई एक कदम आगे बढ़ाने के हवाले से कोई एक्टिवली अपनाई है? देखिए, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, इसी तरह वो दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, इस वक्त पाकिस्तान को इसके बाद दुश्मनों की तरफ से एक गैर एलानिया जंग का सामना है, जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार, फसाद और दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को मुश्किलात की तरफ धकेलें। हम इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। हमने 2013-18 में भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी और अब फिर इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे, और बल्दियाती इदारों के कानून पर मुशावरत असेंबली के अराकीन से मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे इस बिल को असेंबली में पेश किया जाएगा, ताकि ये असेंबली जो है इसकी मंजूरी दे, और जो ही असेंबली उसकी मंजूरी देगी तो उसके फौरन बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। चूँकि हम चाहते हैं कि अवाम को निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के उस वादे को पूरा करें जो हमने अपने मंशूर में अवाम से किया। नवाज शरीफ की जो है लंदन रवानगी के हवाले से भी खबरें हैं, मियां साहब कब जा रहे हैं इस हवाले से बता दें, और साथ में आपने कहा इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत एनआरओ दे सकती है? आप तो कलदम करने जा रहे हैं पार्टी को, फिर देखिए इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुजाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशतगर्दों को भी करने की जुरत नहीं हुई थी, और इसी तरह उस जमात का सोशल मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मुहिम चला रहा है, हमारे रियासती इदारों और फौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अमरीका की कांग्रेस से पीटीआई ने जो करारदाद मंजूर कराई है, वो अमरीका में भारतीय लॉबी की मदद के साथ मंजूर कराई गई है। पीटीआई ने भारत की अमरीका में कांग्रेस में जो लॉबी थी, उनकी मदद लेकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। तो जो जमात अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस हद तक चली जाए कि वो अपने मुल्क के दुश्मनों के साथ साथ मिलकर अपने मुल्क को आलमी फोरम्स पर निशाना बनाए, आप मुझे बताइए
ऐसे लोगों के साथ किस बात की बातचीत हो सकती है। लिहाजा मैं इस बात पर बहुत वाजे कहना चाहता हूँ कि पीटीआई ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें इस दहशतगर्दी की, इस इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। सर ये बताइएगा, मोदी ने एक दर्जा जो है वो बेहतरीन किया पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी थी, तो इससे जो आईएमएफ का अगला प्रोग्राम है उसमें आसानी होगी। देखिए इस वक्त जो हुकूमत ने इस्लाहात का एजेंडा अपनाया है, आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, ये एक मुस्बत रुझान है ना। इसी तरह जो महंगाई थी जो 30% के ऊपर थी वो तकरीबन 11.5% तक गिर चुकी है और फूड इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 2% तक गिर चुकी है। ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जो आज से 2 साल पहले बेकाबू थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे महंगाई है, चाहे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, चाहे मुल्क की कर्ज़ों का हुजम है, अगर आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखिए तो आज हम उसमें भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को कर्ज़ों के रॉकेट पे चढ़ा दिया गया था कि कर्ज़े ले लेकर सारा मुल्क चल रहा था, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत के महासिल 10,000 अरब हैं तो 10,000 अरब की कर्ज़ों की अदायगी है। तो ये वो सूरत हाल है जो हमें दरपेश है। इससे अब हम निकलने के लिए इस्लाहात कर रहे हैं, कर्ज़े का बोझ कम हो रहा है, महंगाई की शरह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, बैनुल अक्वामी रेटिंग एजेंसी, ये दूसरी मूडीज़ की रेटिंग एजेंसी है, इससे पहले फिच ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान बहाली की तरफ चल रहा है। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसी के तसलसल को हमने यकीनी बनाना है ताकि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन हो सके। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो खलफशार, इंतशार और दहशतगर्दी के ज़रिए हमारी तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त देंगे। मियां नवाज शरीफ की लंदन जी, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं या नहीं? देखिए अभी उनके कोई लंदन जाने का हतमी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। नवाज शरीफ के लंदन जाने का अभी कोई हतमी प्रोग्राम नहीं है, एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान को इस वक्त गैर ऐलानिया जंग का सामना है।